जयपुर में शासन सचिवालय के पास योजना भवन के बेसमेंट में रखी अलमारी में 2,31,00,000 की नकदी और 1 किलो सोना मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर बीजेपी राजस्थान गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई है। पार्टी के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। तो इसमें जो बड़े मैनेजर हैं, मैं आपको वास्तव में भर्ती घोटाले के कागज दूंगा, जिसमें डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर ये जो है, ये इसका भी फर्जी सिलेक्शन है। ये यादव जो पकड़ा गया है, उसके हर एक के कागज मेरे पास हैं। और इनके मकान, आप मीडिया को ले जाऊंगा मैं, मकान ऐसे है जैसे ये कमरा है, चुटकी चलाई बिजली बंद, चुटकी फिर चलाई बिजली चालू, हाँ, और थप्पी मारी गेट खुला, दोबारा थप्पी मारी गेट बंद हो गया। मैं बताऊंगा हम लोगों को, बिल्कुल ले चलूंगा। वहीं इस पूरे मामले में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार संस्थागत भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और विभागों में करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है। और जब इसके अंदर सोना प्राप्त हुआ, क्या सरकार को ये नहीं चाहिए था कि सोना किस रूप से सचिवालय तक पहुंचा, ये सोने के समग्लर कौन थे जो राजस्थान में इस प्रकार का व्यापार कर रहे हैं। हमारी मांग है कि आईटी डिपार्टमेंट में, अगर मुख्यमंत्री जी पाक साफ है, तो आईटी डिपार्टमेंट में जितनी भी टेंडर्स अब तक हुए वो सारे रद्द करके और इसकी जांच कराएं, क्योंकि सचिवालय के अंदर पहली बार 2,31,00,000 रुपए मिले हैं, सोना मिला है, तो इसमें बिना विलंब किए, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है देश में सोने की समलिंग करने वाले वो लोग जो देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकते हैं, इसमें एनआईए को देना चाहिए, इनको आईटी को देना चाहिए और ईडी को देना चाहिए। ये सरकार जो संस्थागत भ्रष्टाचार के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड बना रखा है। बता दें कि राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इस तरह के मुद्दों को बीजेपी पूरी तरह से भुनाने का प्रयास करेगी। यही नहीं, बीजेपी का कहना है कि अगर इस पूरे प्रकरण की ईडी या सीबीआई से जांच कराई जाए तो आंच मुख्यमंत्री गहलोत तक पहुंचेगी।